हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं अगस्त का जनरल नॉलेज बताने वाला हूं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंडर मैं आपको 20 क्वेश्चंस बताऊंगा आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पे। ठीक है, विद डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम से आपको समझने में ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू द मंकी पॉक्स वायरस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, WHO द्वारा मंकी पॉक्स वायरस को दिया गया नाम क्या है? चार ऑप्शन है, क्लेड, क्लियो, फ्लीट और हेलो। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं फोटो दिया हूँ, ये मंकी पॉक्स है एक तरह का, इसका नाम दिया गया है WHO द्वारा, वो है आपका क्लेड। ठीक है, इसको क्लेड बोलते हैं। ठीक है, फिर दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द ग्रेट रेड स्पॉट विच वॉज सीन इन द न्यूज इन रीजन इन विच प्लैनेट? ठीक है, जो है ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट के रीजन में देखा गया था? चार ऑप्शन है, मार्स, जुपिटर, वेनस और सैटर्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका जुपिटर। ये जो दिख रहा है जुपिटर में, ये रेड ग्रेट रेड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, जो कि जुपिटर ग्रह में देखा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्या कह रहा है, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेट टू कम अप इन विच सिटी? इंडिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे सेट किया गया है? तो चार ऑप्शन है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन। तो ये जो दिख रहा है, ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है जो कि आपके बेंगलुरु में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन। Which country has spotted कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर ऑफ एन एक्सोप्लैनेट? प्लैनेट से बाहर कौन सी कंट्री ने कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी की है? इसमें चार ऑप्शन है, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल। तो इसमें से राइट आंसर होगा USA। USA ने जो है एक्जो प्लैनेट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की है। इस तरह से होता है ना, न्यूली फॉर्म प्लैनेट ऐसे हॉट रहता है। ये आपका है एक्सटर्नल रनवे। ठीक है, ये वाटर वर्ल्ड हो गया जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, और ये डेजर्ट वर्ल्ड हो गया जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एक्सोप्लैनेट में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जो है USA ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द स्पेस कंसोर्टियम ऑफ हेल एंड विच कंपनी हैज ओन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? PSLV व्हीकल्स जो है किसको, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो ये सारे एक एक क्या है, मिसाइल्स हैं जो कि सैटेलाइट्स को ऊपर स्पेस पे ले जाने के लिए यूज होता है। इसमें अलग अलग है, देखिए SLV, ASLV, PSLV और GSLV। ठीक है, ये अलग अलग मिसाइल सिस्टम है जो कि सैटेलाइट को स्पेस पे लेके जाती है। तो ये कौन सा कंपनी को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो इसमें चार ऑप्शन है, बोइंग, एयरबस, लेंसर एंड टिब्रो एंड टाटा इंजीनियरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा LNT। ठीक है, इस कंपनी को 5 साल का PSLV कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छह नंबर, जेसरो क्रिएटर एंड वाइल्ड कैट रीच आर स्ट्रक्चर फाउंड इन विच प्लैनेट? ये जेसरो क्रिएटर और वाइल्ड कैट रीच जो है कौन सा प्लैनेट में पाया गया है? चार ऑप्शन है, मार्स, जुपिटर, अर्थ एंड वेनस। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये आपका जेसरो क्रिएटर एंड वाइल्ड कैट रीच, तो ये कौन सा प्लैनेट में पाया गया है? ये पाया गया है मार्स में। ठीक है, इसका राइट आंसर है मार्स। ये जो मैं बता रहा हूं, ये अगस्त का जनरल नॉलेज है। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, डार्ट मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री? जो डार्ट मिशन है वो कौन से कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन है, ए इंडिया, बी USA, सी UAE और डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? USA। USA ने अभी हाल ही में डार्ट मिशन लॉन्च किया है जिसमें आपके कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट्स को चेंज करवाने का काम, जो मिसाइल से टक्कर देगा उसके ऑर्बिट्स के सर्कुलेशंस को चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम? ठीक है, RTIS विच वॉज इंस्टॉल बाय इंडियन रेलवे। तो किसने RTIS डेवलप किया? एक तो ये फुल फॉर्म आ सकता है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम,
और किसने ये डेवलप किया ताकि ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन हम जान पाए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए में इसरो, बी में डीआरडीए, सी में हेल और डी में बेल। तो इसका राइट आंसर होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आपके आरटीआईएस रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन वीक वन लैब थीम बेस्ड कॉम्पेन विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इन एसोसिएशन विच विच इंस्टीट्यूट, यानी ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एक वीक में एक लैब में जाएंगे और उनके रिसर्च को देखेंगे कि क्या रिसर्च किया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसरो, बार्क, सीएसआईआर और डीआरडीओ। इसमें इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क का है भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, सीएसआईआर का है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डीआरडीओ का है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वन वीक वन लैब जो थीम बेस्ड कैंपेन लॉन्च करे हैं वो है आपके सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपके सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट इंडियन मोबाइल कांग्रेस आईएमसी इन 2022 में, जो है कौन जो है आईएमसी को होस्ट किए थे। चार ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है आईएमसी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है, या होस्टिंग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 10-11 नंबर क्वेश्चन। नाविक एंड इक्विवेलेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस वाज डेवलप बाय विच कंट्री। देखिए जीपीएस जो है यूएसए का कंपनी है जो एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, तो सेम टू सेम एक नाविक नाम का भी वही पोजिशनिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाने वाले जो है वो क्या है, कौन से कंट्री है, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे थे नाविक, आपके नेवी, आपके फोर व्हीलर्स, आपके एयरोप्लेन, सभी को वो एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करेगा जो रिसेंटली डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इंडिया जो है खुद का जीपीएस सिस्टम या खुद का नाविक इस्तेमाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। ड्रैगन फ्लाई द रिसेंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा वॉज लॉन्च एक्सप्लोर विच प्लैनेट। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई नाम का एक प्रोजेक्ट जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है वो कौन से प्लैनेट के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। तो वो जो है चार ऑप्शन है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और वेनस। तो ये जो है ड्रैगन फ्लाई नाम का जो प्रोजेक्ट है ये आपके सैटर्न ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। ये कुछ इस तरह से देखिए ड्रैगन जैसा लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एज पर न्यू स्टडी विच स्पीसीज में स्वेलो रफली 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेज डेली। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जो 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक इनहेल कर जाता है। तो फोटो में ही देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन है, टर्टल, ब्लू व्हेल, कैटल और फ्रॉग। तो ये अभी फिलहाल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैमल्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ब्लू व्हेल, और ये जो है 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स को स्वेलो कर लेता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। हाइब्रिड थर्मली इफिशियंसी कोर हाईटेक, हाइब्रिड थर्मली इफिशियंसी कोर प्रोजेक्ट इज एसोसिएट विद विच स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है मशीन, हाईटेक मशीन जिसमें एक कंप्रेसर लगा हुआ है, एक कंबस्टर लगा है और हाई प्रेशर टर्बाइन लगा है इस पे और लो प्रेशर टर्बाइन लगा है, ये कंबस्टन जो है या हाईटेक जो है इसको कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया। चार ऑप्शन है, ए इसरो, बी जैक्स, सी ईएसए और डी नासा। तो इसको डेवलप करने वाले एजेंसी का नाम है आपके नासा। नासा ने जो है ये हाईटेक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंपनी डेवलप इनकोवैक, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन। ये कोरोना वैक्सीन है जो इंटरनेशनल नाक में ऐसे डाला जाता है डायरेक्टली। ठीक है, इसको कौन से कंपनी ने डेवलप किया। तो चार ऑप्शन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेडी लैब, भारत बायोटेक और बायोकॉन। तो ये जो इनकोवैक्स है इसको डेवलप किए हैं भारत बायोटेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। YouTube हैज रिमूव हायर नंबर ऑफ वीडियो 1.7 मिलियन फ्रॉम विच कंट्री इन जुलाई सितंबर 2022। ठीक है, YouTube ने जो है कौन सी देश का जो है अभी YouTube से कंटेंट 1.7 मिलियन वीडियो को रिमूव कर दिया। चार ऑप्शन है, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इंडिया के जो है 1.7 मिलियन वीडियोस को रिमूव कर दिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन. विच फर्स्ट स्टेट इशू सोल बाउंड टोकन NFT इट्स आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट मेंबर. तो कौन सा स्टेट जो है इंडिया का सोल बाउंड टोकन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है. चार ऑप्शन है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, न्यू दिल्ली. तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु ने NFT टोकन्स लॉन्च किया है. फिर नेक्स्ट है आपके 18 नंबर. ओरियन कैप्सूल ऑफ नासा आर्टेमिस 1 मिशन में क्लोजेस्ट अप्रोच टू मून बाय विच डिस्टेंस फ्रॉम मून. ठीक है, तो ओरियन कैप्सूल जो है नासा के द्वारा डेवलप किया है वो मून से कितना डिस्टेंस पे वो उसको स्टडी करेगा. चार ऑप्शन है, 50 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ओरियन जो है ये मून का स्टडी करेगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर. विच टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च इट न्यू एंटी मिस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया. तो जो मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं उनसे उसको रोकने के लिए इंडिया ने कौन से कंपनी के साथ एक नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, या कौन से कंपनी ने इंडिया के लिए वो मिस इंफॉर्मेशन फैलाने वाले को रोकने के लिए लॉन्च किया है. तो चार ऑप्शन है, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर. इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गूगल. गूगल ने जो है एंटी मिस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया है इंडिया के लिए. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें भारतीय एयरटेल अनाउंस पार्टनरशिप विथ विच कंपनी टू इन्वेस्ट एक्सपेंशन अप टू अफ्रीका पल्स सबसी केबल टू इंडिया. तो कौन सी कंपनी ने जो है भारतीय एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके जो है इस अफ्रीका जो है इस रीजन पे नेटवर्क फैलाने का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लिए. तो चार ऑप्शन है, ए मेटा, बी सैमसंग, सी एप्पल और डी नोकिया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका मेटा. इस कंपनी के साथ मिलकर सबसी केबल लगाया जाएगा इतने रीजन में. ठीक है, तो आई होप ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा. ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दें. ठीक है, उसमें आपको पैसा लगना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, चलिए धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए. बाय बाय, टेक केयर.